हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोबी हेयर सॉल्यूशन। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड। बेसिकली गाइस, मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट्स के ऊपर वीडियो बना रखी हैं, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। कैराटीन स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, कैरा फ्यूज़न, फाइब्रोप्लेक्स ट्रीटमेंट, हेयर स्पा, कैरा फ्यूज़न। ओके गाइस, ये काफ़ी मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं एंड इसको आप चेक कर लीजिएगा। आज हम न्यू एक टॉपिक पर बात करेंगे जो कि लॉरियल का एक प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं पावर मिक्स ट्रीटमेंट। वैसे बेसिकली हम जाके नॉर्मली करा सकते हैं, इसका कोई टाइमिंग नहीं होता कि हमें 10 to 15 days में करवाना है, 15 to 30 days में करवाना है, ऐसा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ये हेयर टेक्चर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है, आप इसको करवा सकते हैं बेफिक्र होके। चलिए गाइस, मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में, बिल्कुल डिटेल से समझाऊँगा कि ये बेसिकली किन किन हेयर पे इसको हम करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लेना। बेसिकली गाइस, इसके अंदर पावर मिक्स ट्रीटमेंट के अंदर 5 ट्रीटमेंट इन्होंने दे रखे हैं, जिसको हम पावर मिक्स रिपेयर, पावर मिक्स कलर, पावर मिक्स न्यूट्री, पावर मिक्स फोर्स, पावर मिक्स लीस। ठीक है, ये 5 ट्रीटमेंट इन्होंने यहाँ दिए हों, और प्लस इसके अंदर एक बेस इन्होंने इंक्लूड कर रखा है, विदाउट बेस के ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ओके, क्लियर गाइस। चलिए अब मैं आपको एक एक करके इनके बेनिफिट्स बताता हूँ। गाइस, जैसे कि पावर मिक्स रिपेयर ट्रीटमेंट है, ये बेसिकली जो हमारे डैमेज हेयर होते हैं उनके लिए बना हुआ है। एक लॉरियल का प्रोडक्ट आपने और देखा होगा जिसको हम लिपिडियम कहते हैं, ज़्यादा बेटर रिजल्ट है लिपिडियम से, अकॉर्डिंग टू लिपिडियम। ठीक है, जो हमारा गाइस सेकंड जो ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे वो होगा पावर मिक्स फोर्स, पावर मिक्स फोर्स। ठीक है, ये ट्रीटमेंट गाइस बेसिकली उन हेयर पे दिया जाता है जिसके हेयर ब्रेकेज स्प्लिट एंड्स हो रहे हों। ठीक है, दो मुंह के बाल या बीच में से ब्रेक टूट रहे हों, ये उनके लिए दिया जाता है। अब इसके अंदर इंग्रीडियंट की बात करते हैं हम, तो इसके अंदर जो इंग्रीडियंट मिक्स हैं वो है B6+ बायोटिन, जो कि हमारे स्प्लिट एंड्स एंड ब्रेकेज हेयर को रिपेयर करता है। अब हम करते हैं थर्ड जो हमारा हेयर ट्रीटमेंट है वो है पावर मिक्स लीस। पावर मिक्स जो लीस जो हमारा ट्रीटमेंट है वो बेसिकली हम ज़्यादातर देते हैं जिसके कर्ली हेयर होते हैं उनके लिए। अब इसका जो रिज़ल्ट की बात करते हैं हम, जिसके कर्ली हेयर होते हैं उनके डिटेंगल कर्ल हो जाते हैं, एंड सेकेंडली जो हमारा हेयर के अंदर प्रोटीन, जो हमारे हेयर के अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है होती है, ये उसको भी पूरी कर देता है प्रोकैरियोटिन। ठीक, अब हम करते हैं गाइस हमारे फोर्थ ट्रीटमेंट के ऊपर बात, जिसका नाम है पावर मिक्स कलर। ठीक है, पावर मिक्स कलर ट्रीटमेंट जो है हमारा, वो हमारा जाता है जिसके कलर्ड हेयर होते हैं। ठीक है, कलर हेयर को लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन देता है, हमारी लेंथ को इम्प्रूव करता है हेयर की। ठीक है, और हमारे हेयर के अंदर सॉफ्ट एंड शाइन का रिजल्ट देता है लॉन्ग टाइम के लिए। पाँचवें ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो हेयर ट्रीटमेंट है हमारा पावर मिक्स न्यूट्री। गाइस, जो ये न्यूट्री ट्रीटमेंट है, हम बेसिकली ये ड्राई हेयर पे सबसे ज़्यादा देते हैं। ड्राई हेयर पे मतलब उनको बिल्कुल न्यूट्रिशन उसमें ख़त्म हो जाता है, तो ये न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा देता है ये ट्रीटमेंट हेयर को, और हेल्दी सॉफ्ट एंड शाइन का रिजल्ट देता है। गाइस, ये 5 ट्रीटमेंट थे जो कि मैंने आपके सामने बताए हैं। ठीक है, अब इनको मैं यूज़ करने का आपको तरीका बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। गाइस, अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्चर आप इस ट्रीटमेंट से एक एक बोतल उठाएंगे। अगर कलर के आप बालों पे कर रहे हैं तो कलर पावर मिक्स कलर, अगर आप डैमेज हेयर पे कर रहे हैं तो पावर मिक्स रिपेयर, अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्चर आप बोतल उठाएंगे, और प्लस बेस की उठाएंगे, प्लस जिसकी भी रिक्वायरमेंट है उसकी। जब आप दोनों को हाफ हाफ लोगे और इसको मिक्स करोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा दोनों। ठीक है, जब आप मिक्स करोगे तो क्रीम फॉर्म में हो जाएगा, क्रीम फॉर्म में चेंज होने के बाद इसको आप हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। हेयर पे अप्लाई करने के बाद 15 to 20 minutes आप वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद इसको सिंपल वाटर से रिंस आउट कर देंगे। ठीक है, आपको जो इसके रिजल्ट्स मिलेंगे काफ़ी अच्छे मिलेंगे, काफ़ी इफेक्ट्स मिलेंगे। गाइस, इस ट्रीटमेंट को आप कभी भी ले सकते हैं और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर जैसे कि डैमेज ज़्यादा हो रहे हैं या कलर आप ज़्यादा करवाते हैं तो इसमें आप गैप रख सकते हैं। जैसे कि आपको कलर करवाते हैं, आप मंथली में एक बार करवाते हैं, तो इस ट्रीटमेंट को आप 2 बार ले सकते हैं। ठीक है, 10 डेज के गैप पर ले सकते हैं। अगर आपके डैमेज ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसको 15 डेज में 2 बार ले सकते हैं, 20 डेज में 2 बार इसको अप्लाई करवा सकते हैं हेयर पर। अब गाइस, हम बात करते हैं
इसको होम पे करना ज़्यादा बेनिफिट है या इसका हम सैलून पे जाकर प्रोफेशनल तरीके से करवाएं तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए होम पे आप कुछ भी करो तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। आप बेसिकली आप सैलून पे जाओ, प्रोफेशनल तरीके से कराओ, ठीक है, तब आपको एकदम रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे इस ट्रीटमेंट के बारे में। गाइज अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाकर लेकर आता रहूँगा। चलिए गाइज, बाय बाय।